channel. So this video is dedicated to all the rainbow lovers jinhe bhi rainbow ke colors pasand hai unke liye special video maine banaya hai. Maine yahan pe koi bhi rainbow create nahi kiya hai but maine rainbow ke jo saato color hote hain usko use karke banaya hai ek eyeshadow look. I hope aapko ye look acha lagega. So video ko pura dekhe aur ha subscribe to my channel. So zyada der nahi lagate hain, let's go. तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फाउंडेशन ब्लश कॉन्टोर सब कुछ बेस मेकअप कर लिया है, जस्ट आई लुक बचा हुआ है. सो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ मार्स का मल्टी कलर आई शेडो पैलेट. ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और इसके कलर पिगमेंटेशन भी ओके है, लाइक एवरेज. सो इस आईज में मैं ये लुक क्रिएट कर चुकी हूँ रेनबो के सातों कलर. बचपन में क्या होता था इसे याद रखने के लिए एक बहुत जो फेमस था वो था एक लाइन, बेजानी है पी नाला, दैट मीन्स बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल. सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बैगनी कलर, वायलेट कलर इन माई क्रीज और क्रीज के थोड़ा सा ऊपर. इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ. इस रेनबो क्रिएशन लुक में मैं यूज करने वाली हूँ ये सातों कलर. मैं यहाँ पे कोई रेनबो क्रिएट नहीं कर रही हूँ बट जस्ट यूजिंग सेवन कलर्स इन माय आईज. नाउ आई एम यूजिंग पर्पल, दैट इज जामुनी कलर. ये जो दो कलर्स हैं इनका कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा सुंदर लगता है आईज में कि आई रियली लव इट. एंड आप खुद देख सकते हैं इट्स अ ब्यूटिफुल, मतलब एक दूसरे के लिए ही बने हैं जैसे ये जामुनी एंड बैगनी. आफ्टर दैट मैं यूज कर रही हूँ ब्लू कलर. ये भी कलर भी इन दोनों कलर के साथ बहुत ही सुंदर लग रहा है और मैं ये यूज कर रही हूँ मेरे एकदम आईलेट पे, पर थोड़ा सा आईलेट मैंने फिर भी छोड़ा है. और जहाँ पे हम आईलाइनर लगाते हैं उस जगह पे मैं यूज कर रही हूँ हमारा हरा कलर जो कि फोर्थ कलर है, ग्रीन. ये जो एक कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, लाइक पर्पल इज़ माय फेवरेट कलर. पर्पल ब्लू ग्रीन ये आई लुक सच में मेरा फेवरेट बन गया है. इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे इनर कॉर्नर्स में येलो कलर. येलो कलर्स का इनर कॉर्नर्स पे यूज़ बहुत सारे मेकअप में देखने को मिलता ही है हमें और ये एक्चुअली बहुत ही सुंदर लगता है जब थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने की बात आती है, तो मैंने वही यहाँ पर यूज़ किया है. आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ नारंगी कलर, दैट इज ऑरेंज. जो नारंगी कलर है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल साइड में, एकदम लास्ट में आइज के. सो हल्का सा इसमें शेड आएगा जो कि अच्छा लगेगा. एंड एट द लास्ट मैं यूज़ कर रही हूँ रेड कलर. मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ हमारे जहाँ पे हम काजल लगाते हैं वहाँ पे. मैं काजल यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सो नो इशू. रेड कलर मुझे लगा था कि इतना अच्छा नहीं लगेगा बट इट्स लुक्स सो ब्यूटिफुल. एंड इस तरह मैंने यूज़ किया है सातों कलर और थोड़ा सा हाईलाइट करना तो बनता ही है. तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ द सेम पैलेट जो मैंने यूज़ की थी हाईलाइट के लिए, दैट इज़ फेसेस 3 पैलेट. एंड दिस इज हाउ इट लुक, सच अ ब्यूटिफुल रेनबो लुक. एंड इसको थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए मैं बस एक पतला सा लाइनर लगाने वाली हूँ ताकि ये अच्छे से आईज जो है थोड़ा वो उठ के दिखे. दैट्स ऑल. एंड यस, मेरा फेक आईलैशेस का वीडियो ट्यूटोरियल ऑलरेडी आ चुका है, सो उसे देखना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा. एंड अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ हाउ इट्स गोइंग टू लुक एट द एंड विथ एवरीथिंग ऑन. आई लव दिस. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मोनी एके डीसी नाम से. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.